खड़े सामने। एक्चुअली मुझे वहाँ देखना नहीं चाहिए, बिकॉज क्या हो रहा है कि सामने कॉन्सेंट्रेशन मेरा जा रहा है। हाय, वेलकम बैक टू द चैनल मुकेश सोनी ब्लॉग्स। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग मस्त होंगे। गाइस, आज के इस ब्लॉग में मैं राइड कर रहा हूँ धरगांव से नंदुरबार और नंदुरबार से अपने घर के लिए, होम टाउन के लिए, शादा के लिए। लगभग ये जो मेरा राइड है ये 4 से 5 घंटे का होगा, पर बीच में नंदुरबार में मुझे अपने पुराने काफ़ी अच्छे भैया है, दोस्त है, उनसे भी मिलना है, तो मैं थोड़ा सा ब्रेक भी ले लूँगा। और धरगांव से जब मैं नंदुरबार के लिए ट्रैवल करूँगा तो बीच में मैंने सुना है एक चांदसेली बोल के घाट सेक्शन है जो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर और काफ़ी खूबसूरत माना जाता है, तो उसके बारे में मैंने काफ़ी सुना था, तो सोचा चलो यार क्यों ना वहाँ से भी राइड किया जाए। बहुत मज़ा आया दोस्तों, पिछले 2-3 दिन मैं यहाँ पे स्पेंड किया मैंने अपने पुराने दोस्तों के साथ में, अपना स्कूल, नर्मदा रिवर, मतलब बहुत मज़ा आया दोस्तों। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। गाइस, फाइनली धड़गांव से अभी मैं ऑन द वे जाऊँगा आगे नंदुरबार की तरफ। ये जो देख रहे हो आप मेरे सामने, ये यहाँ का मार्केट है, मेन मार्केट, और काफ़ी गर्दी है। मे बी अभी फेस्टिवल का सीज़न और सारी चीज़ों का होने के वजह से ये सारी गर्दी है यहाँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है इन पुरानी यादों के साथ में आगे बढ़ते हुए। ये जो देख रहे हो आप सामने, ये हमारा बचपन का स्कूल था जहाँ पे हम लोग 5वीं क्लास तक पढ़ाई किया करते थे। इसके बाद फिर हम लोग वो वाले स्कूल में चले गए थे, बड़े स्कूल में। ये देखो यहाँ पे काफ़ी पुरानी, काफ़ी अच्छी याद इस सारी जगहों से जुड़ी हुई है यार। अभी भी नंदुरबार का जर्नी मेरा यहाँ से लगभग 1.5 घंटे का हो सकता है। अभी वो डिपेंड करता है कि रोड आगे कैसे है, अगर रोड अच्छे होंगे तो डेफिनेटली मैं थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊंगा। देखो लोग कैसे बैठे हैं यहाँ पे इस गाड़ी पर, और यहाँ पर भी मेरा एक काफ़ी पुराना दोस्त है, उसका भी घर है। साइड से नदी जाती है काफ़ी खूबसूरत सी। उस दिन मैं आया था इस नदी के पास में, पर अभी वो दोस्त वहाँ पे नहीं है तो वहाँ जाने में कोई मतलब नहीं है। तो जर्नी कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं आगे। ये जो रोड मैं अभी जा रहा हूँ दोस्तों, ये यहाँ से शॉर्टकट निकलता है नंदुरबार के लिए, जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का। काफ़ी खूबसूरत रोड है ऐसा मैंने सुना है, घाट सेक्शन है पूरा। चल के ट्राई करते हैं कैसा है घाट, थोड़ा सा पता भी चल जाएगा। ये वाला रोड काफ़ी खूबसूरत लग रहा है अभी सामने का व्यू। मेरे ख्याल से थोड़े ही दूर पर यहाँ से अभी घाट वाला सेक्शन शुरू हो जाएगा। मैंने काफ़ी सुना था यहाँ के इस घाट के बारे में, बिकॉज मैं जब यहाँ पे था तो ये रोड इतना प्रॉपर नहीं था उस समय पे, काफ़ी साल पहले की बात है। अभी हो सकता है कि रोड काफ़ी अच्छे हो चुके होंगे यहाँ पे, और घाट का रास्ता है तो थोड़ा सा केयरफुली यहाँ से चलना पड़ेगा, बिकॉज छोटे रोड है और सामने से कभी भी कोई भी एकदम से फास्ट आ सकता है, तो वही थोड़ा केयरफुल रहना होगा। अरे 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 अरे, सारे बकरी के बच्चे, बकरी बीच में आ गए यार। चलो 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 चलो, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। वाह, ओहो ओहो, रास्ता दे दिया, समझदार था वो, उसे पता था मैं काफ़ी दूर से आया हूँ, इसे रास्ता देना चाहिए, तो उसने हमको रास्ता दे दिया। लिटरली कुछ समय के लिए तो मुझे वही लग रहा है कि मैं शायद कहीं मस्त शिमला मनाली में राइड कर रहा हूँ, इतना खूबसूरत लोकेशन है ये यहाँ पे। कहीं कहीं पर काफ़ी अच्छे रोड है और कहीं कहीं ऑफ रोड है, तो दोनों का मज़ा लेते लेते हम आगे बढ़ रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है एक्चुअली। क्या है सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि सामने पहाड़ है बहुत बड़ा और उसके बगल में नदी है, नदी से पानी बह रहा है, देख रहे हो ये। देख रहे हो कितना खूबसूरत लग रहा है ये नज़ारा। जाते जाते मुझे एक बहुत ही
ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा दिखा एक लोकेशन जहाँ पे मैं रुक गया हूँ और आपको दिखाता हूँ। देख रहे हो पानी का आवाज़ आपको आ रहा होगा यहाँ पे, बहुत ही प्यारा। वाव, देख रहे हो एक पुल है, उस पुल के ऊपर से जब मैं गुजरा तो मुझे साइड में ही यहाँ पे दिखा। और ये लोकेशन देख रहे हो आप कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि सामने एक झरना है छोटा सा, सामने से एक झरने से पानी निकल रहा है और वो पानी का फ्लो सीधा आगे जा रहा है, तो बहुत खूबसूरत लगा मुझे। ये मेरे सामने जो जा रहे हैं लोग, ये कहीं तो पैदल जा रहे हैं। कुठे चालले भाऊ, थोड़ा झाला का? अस्तंभाला गेले होते का? झाला? किती दिवस लागतात? दोन दिवस का? तिकडे अस्तंभाले लोक असता का? आता असता का? आहेत कमी आहेत ना? हाँ हाँ हाँ। आता इथून तळोदा किती लांब आहे? 20 एक अजून? ओके चला। यहाँ पे एक काफ़ी फेमस एक यात्रा हुआ करता है दिवाली के नियर बाई, जिसे अस्तंभा का यात्रा बोलते हैं। अस्तंभा महाभारत में जो अपने क्या नाम है, अश्वत्थामा जो थे, अश्वत्थामा वो अभी भी उस वाले पहाड़ में जिंदा है, ऐसा है एक्चुअली रियलिटी यहाँ के लोगों का मानना है। तो मैं भी बचपन में एक बार गया हूँ वहाँ पे अस्तंभा की यात्रा में, तो काफ़ी इससे भी सामने जो दिख रहा है ना आपको, इससे भी बड़ा पहाड़ है वो, वहाँ पे चढ़ते हैं लोग पैदल, और जहाँ से भी यात्रा करते हैं वहाँ से पैदल उस पहाड़ पर चल के ऊपर जाते हैं और ऊपर एक रात बिता कर दूसरे सुबह या शाम को वो लोग वहाँ से नीचे आके फिर पैदल जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा समय होता है दिवाली का समय यहाँ पे। तो यहाँ से अभी एक्चुअल में घाट शुरू होगा, चांदेली घाट जो मैंने आपको कहा था। आप देख रहे हो मेरे यहाँ पे सामने नीचे पूरा टर्नी रोड है दोस्तों। चलो करते हैं राइड चांदेली घाट पर, काफ़ी स्लो स्लो ही चलना पड़ेगा बिकॉज लोग काफ़ी फास्ट आते हैं, फोर व्हीलर वाले यहाँ से, बड़े गाड़ी। और है क्या कि रोड एक्चुअली काफ़ी छोटा है, टर्न बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। देख रहे हो मेरे सामने टर्न? ओहो वाओ, ये देखो नीचे रोड कैसा टर्न मार रहा है गाड़ी वाला। तो ऐसे टर्न पे वही थोड़ा सा एक रिक्स होता है। वाओ कितना प्यारा लग रहा है यार ये घाट, सुपर्ब। देख रहे हो सामने नीचे, ये है एक्चुअली चांदेली घाट, काफ़ी फेमस है यहाँ पे राइडिंग के लिए, तो पूछो ही मत यार। बहुत बेहतरीन घाट लग रहा है मुझे ये। एक्चुअली मैं वहाँ पे देख नहीं पा रहा हूँ बिकॉज आगे रोड है छोटा और टर्न है, तो मुझे थोड़ा सा ध्यान देके ही करना पड़ेगा ये राइड। अगर मैं नीचे देखने जाऊँगा और सामने से एकदम से गाड़ी आ सकती है, देख रहे हो लोग कैसे मज़े कर रहे हैं ऊपर बैठ के। वाओ टर्न देखो दोस्तों, टर्न। ये देखो हम लोग वहाँ ऊपर से आए अभी। ओहो सावधान।
एक्चुअली मुझे वहाँ देखना नहीं चाहिए, बिकॉज क्या हो रहा है कि सामने कॉन्सेंट्रेशन मेरा जा रहा है। देख रहे हो मेरे नीचे यहाँ पे नज़ारा, क्या बात क्या बात। थोड़ा सा रुक जाते हैं यहाँ पे और थोड़े अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल। ये रहा नज़ारा, कैसा लग रहा है? वाओ देख रहे हो सारा सारा पहाड़ है यहाँ पे, सामने आग लगा है पहाड़ पर और सामने एक तालाब भी दिख रहा है मेरे सामने। देखो यहाँ से कितना नीचे है, एक्चुअली कितना ज़्यादा नीचे है। और जब हम रोड से आते हैं तो पूरा रोड है और उसके नीचे डायरेक्टली ऐसा खाई जिसको बोलते हैं ना हम लोग, वो है काफ़ी खूबसूरत। ऑलमोस्ट हम लोगों ने घाट वाला रास्ता ख़त्म कर लिया है, थोड़ी दूरी पर घाट ख़त्म हो जाएगा अभी ऑलमोस्ट। बस हम लोग थोड़ा सा नीचे की तरफ अभी बढ़ रहे हैं, मतलब पहाड़ से नीचे उतर रहा हूँ मैं अभी। सो उसके बाद घाट ख़त्म हो जाएगा और आगे प्लेन वाले रोड आ जाएंगे जहाँ पे घाट नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे यहाँ से और 10-15 मिनट पर मैं ये रोड ख़त्म कर लूँगा। फाइनली घाट समाप्त हो चुका है, घाट वाला रास्ता ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अभी मैं घाट के नीचे उतर कर ऑन द वे आगे बढ़ूंगा तलोदा के लिए। यहाँ से तलोदा जो है वो लगभग होना चाहिए मेरे ख्याल से 10 से 15 किलोमीटर के बीच में ही, बिकॉज काफ़ी पीछे मैंने जब देखा था तभी वो 18-19 किलोमीटर था। तो अब प्लेन रोड ही मिलेंगे मुझे, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से मैं अभी राइड कर पाऊँगा। और तलोदा से आगे नंदुरबार का जो डिस्टेंस है वो भी आधा घंटे का ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। मैं जैसे तलोदा के नियर बाय आया और घाट ख़त्म होने के बाद मैंने तलोदा इंटर किया। तलोदा से मुझे नंदुरबार जाना था, तो एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि ये एक्चुअली महाराष्ट्र और गुजरात का एग्जैक्टली बॉर्डर है, मतलब ये जो गांव है इसका नाम है हथौड़ा और ये गुजरात में आता है और यहाँ से बस 3-4 किलोमीटर में ही महाराष्ट्र शुरू हो जाता है। तो ये एग्जैक्टली मैं अभी गुजरात के बॉर्डर पर हूँ, गुजरात के बॉर्डर इन द सेंस ये गुजरात में ही हूँ मैं। तो मैं थोड़ा सा रुक गया था यहाँ पे, हाँ मेरी बैटरी भी लो हो गई थी गोप्रो की तो उसको मैंने चेंज कर लिया। और यहाँ से नंदुरबार का जो जर्नी है वो लगभग और 15 से 20 किलोमीटर है, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, काफ़ी पास में है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हो ना सामने पुल, इसको यहाँ पर नाम रखा गया है हथौड़ा पुल। सबसे पहली बात तो मैंने जब सुना इसको तो थोड़ा सा ये लगा मुझे कि हथौड़ा पुल, पर बाद में यहाँ आने के बाद पता चला कि इस गांव का नाम है हथौड़ा, इसलिए इस पुल का नाम भी हथौड़ा पुल ही रख दिया है। सही है, चलो हथौड़ा पुल से हम लोग राइड करते हैं अभी। मस्त वाला मस्त लग रहा है, पर देखो सामने का व्यू। ओहो काफ़ी बड़ा है ये, देखो ये मेरे ख्याल से तापी नदी होनी चाहिए, मतलब एग्जैक्टली ये तापी नदी होनी चाहिए और तापी नदी के ऊपर ये बनाया है पुल। काफ़ी बड़ा पुल है, देख रहे हो अब कितना बड़ा है, मुझे लगा नहीं था ये इतना बड़ा होगा। इस पुल का नाम, फ्लाईओवर का नाम है हथौड़ा, थोर वाला हथौड़ा, थोर, यस। ओहो काफ़ी अच्छा लग रहा है, वाह काफ़ी बड़ी नदी है ये।
पचोड़ा पुल समाप्त हो चुका है ऑलमोस्ट। अभी यहाँ से मैं जा रहा हूँ ऑन द वे नंदुरबार। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे गुजरात भी आता है, महाराष्ट्र भी आता है, ऑलमोस्ट दो स्टेट आसपास ही है। काका को पूछता हूँ कि वो नदी कौन सी थी। अंकल वो नदी तापी है ना, वो नदी जो है नदी तापी नदी है ना, तापी ना। ओके मैंने पूछा अंकल को तो अंकल ने मुझे बताया कि वो तापी ही है। मुझे भी वही मतलब श्योर नहीं था मैं, बिकॉज़ क्या है कि तापी इस रोड से मैं कभी आया नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम मैं यहाँ से इस रोड का यूज़ कर रहा हूँ, पर मैं श्योर नहीं था कि वो तापी है या कोई और नदी है। तापी ही है वो। चलो माँ नर्मदा के दर्शन हो गए, तापी मैया के दर्शन हो गए, भाई लोग हथौड़ा पुल जैसे उतरा मैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सारे हथौड़े ही हथौड़े गिरे हैं इन रोड पर, इसलिए रोड का स्ट्रक्चर ही बदल गया है पूरा। काफ़ी ख़राब रोड है, ज़्यादा नहीं होगा मेरे ख्याल से ये, पर उस वाले हथौड़ा पुल से तो आगे तक पता नहीं अभी कितना ख़राब रोड है, और बड़े बड़े ट्रक यहाँ पे चल रहे हैं, पूरा धूल से भर गया है ये रोड। वाओ मज़ा आ रहा है, पर जो भी हो फुल लद्दाख वाला एक्सपीरियंस है भाई लोग, ये भी क्या बात क्या बात। ओह कुछ ज़्यादा ही ख़राब है यार ये रोड, समझ में नहीं आता यार, इतना दो स्टेट को जोड़ने वाला रोड है ये, फिर भी इतना ख़राब है। ओह माय गॉड, फुल डांस कर रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे, देख रहे हो सामने पूरा धूल भरा हुआ है रोड पर, कुछ दिख भी नहीं रहा है। बस कुछ ही समय में यहाँ से नंदुरबार शुरू हो जाएगा, और जो भैया है उनका जो घर है वो भी नियर बाई यही कहीं होगा स्टार्टिंग में ही, तो पहले मुझे उनको फ़ोन करना पड़ेगा कि कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेशन है। सो फाइनली मैं यहाँ पे नंदुरबार में पहुँच चुका हूँ भैया के घर पर। ये रहा भैया का प्यारा सा एक नया घर, और देखते हैं अभी भैया घर पे है क्या नहीं। चलिए दिखाता हूँ आपको, भैया से मिलाता हूँ। भैया एग्जैक्टली अंदर बैठे हुए हैं। ओहो हेलो, ये है प्रमोद भैया, उनका प्यारा प्यारा क्यूट क्यूट सा बच्चा भाभी और अजिंक्य। से हाय हाय। तो यहीं पे आना था, अब यहाँ से मैं कंटिन्यू राइड करूँगा शहादा के लिए। काफ़ी मज़ा आया आज सुबह से कंटिन्यू राइड, दोस्त सब लोगों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। सो ये है नंदुरबार सिटी, जो है नंदुरबार वो काफ़ी अंदर आगे हो जाता है, पर हम अभी यहीं से अभी टर्न लेंगे आगे से कहीं से। अभी ये शॉर्टकट वाला रोड अभी मैं यूज कर रहा हूँ जाने के लिए आगे। एग्जैक्टली यहाँ पे अभी मैं थोड़ी देर पहले दीदी के घर गया था। ये सामने का जो बंगला है ये है, ये जो दिख रहा है आपको, ये हमारे एक दीदी है उनका ही बंगला है। वहाँ पर भी मिलके आया मैं उनसे, आया था तो सोचा सब लोगों से मिलके जाऊँ, अच्छे रिलेशन होते हैं सब लोगों से, काफ़ी पुराने रिलेशन है, अच्छा लगता है, उन लोगों को भी काफ़ी खुशियाँ होती है जब। ओह माय गॉड, रोड काफ़ी ख़राब है यार यहाँ के भी, इतने बड़े बड़े गड्ढों से भरे हैं यार ये रोड, मुझे समझ में नहीं आता यार कि रोड में इतने बड़े गड्ढे कैसे हो सकते हैं यार, इतने बड़े, ये देख रहे हो मेरे सामने कितने बड़े गड्ढे हैं। रात के समय पे ऐसी जगह पर
कोई अगर जाएगा तो काफ़ी रिस्की है यार ये। चलो एटलीस्ट आगे रोड कहीं कहीं पर बना हुआ है, पर मोस्ट ऑफ जगह पे वही प्रॉब्लम है कि बहुत सारे गड्ढे हैं। यहाँ से मुझे ऊपर लेके जाना चाहिए अभी बाइक एटलीस्ट। चलो एटलीस्ट अभी थोड़े से अच्छे रोड है यहाँ पे। रोड काफ़ी ऑफ रोड है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा ख़राब रोड है। काम तो चल रहा है पर पता नहीं यार ये रोड इतने ख़राब क्यों है। और धूल देख रहे हो मेरे दोस्तों, कितना सारा धूल यहाँ पे उड़ता है, धूल मिट्टी। और भाई लोग बहुत ज़्यादा मज़ा ले रहे हैं अभी गाड़ी के ऊपर बैठ के, देख रहे हो आप पूरी गाड़ी पैक है। और इसके अलावा भी ऊपर इतने सारे लोग बैठे हैं, लटके हैं, मानो तो यार ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है यार ये ओवर वेट होके गाड़ी चलाना ऐसे रास्तों पर, मतलब क्या बताऊँ। पर ये कॉमन है यार यहाँ के लिए, मतलब मैंने पहले भी आपको दिखाया था पहले वाले ब्लॉग पे कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये काफ़ी कॉमन है। आज पूरे दिन में मैंने दो बार तापी नदी को क्रॉस किया, एक गुजरात में और अभी ये जो है अभी एक है महाराष्ट्र में। तो दो बार तापी नदी को मैंने क्रॉस किया है, अभी ये मैं फिर से एक बार तापी नदी के ऊपर से ही जा रहा हूँ। देख रहे हो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी कुछ फ्लाईओवर बन रहा है, मुझे नहीं पता। रोड भी काफ़ी ख़राब है तापी के ऊपर के ये ब्रिज वाला रोड। ओहो, फुल ढिंचक वाला रोड है यार ये, मतलब गाड़ी में बैठे बैठे डांस का मजा। ये देख रहे हो ये तापी नदी है। वाओ, सूरज ढल चुका है अभी और लगभग रात के 7 बज रहे हैं, अंधेरा हो चुका है। फाइनली अपुन का होम टाउन आ चुका है शहादा। एटलीस्ट यार यहाँ पे काफ़ी अच्छे रोड बन चुके हैं अभी, अच्छा लग रहा है। अभी घर आ चुका हूँ नियर बाई, बस थोड़ी ही देर में घर पहुँचूँगा। पिछले ऑलमोस्ट 4 दिन से मैं घर से बाहर था राइड के लिए, तो 4 दिन के बाद फिर से घर जाकर काफ़ी अच्छा लगेगा। जाते ही सबसे पहले तो मस्त वाली चाय पीऊँगा मम्मी के हाथ का। फाइनली घर पहुँच चुका हूँ काफ़ी लंबे राइड के बाद में। तो गाइस फाइनली 3 दिन का राइड करने के बाद मैं अपने घर सही सलामत पहुंच चुका हूं। लगभग अभी रात के 8 बज रहे हैं। अच्छा राइड हुआ, काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी पुराने दोस्तों से मिलकर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया मैंने पिछले 3 दिन। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। मिलते हैं ऐसे ही नए एक ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।